गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज़ राहुल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कोविड का जो सेकेंड वेव है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो आई होप कि आप सब अपना अपना घरों में सुरक्षित होंगे, वैक्सीन भी लगा लिए होंगे। तो गॉड से यही प्रे करते हैं कि हम लोग का लाइफ में अभी जो भी खराब टाइम चल रहा है, जो भी खराब वक्त चल रहा है, ये जल्दी से ख़त्म हो जाए। बस हम लोग का जो अच्छे दिन है वो जल्दी से आ जाए, हम लोग चैन का सांस ले पाए। और इसी गुड विशेष के साथ में शुरू करते हैं आज का हम लोग का ये ब्लॉग। तो आज है संडे, संडे मीन्स छुट्टी का दिन है। तो छुट्टी का दिन में तो नॉर्मली मैं घर में बैठा रहता नहीं हूँ, तो वैसे ही मैं अभी निकल रहा हूँ, कुछ जगह पे जा रहा हूँ, कुछ काम है और कुछ घूमना भी है। तो बने रहिए मेरे साथ और आगे आगे देखते रहिए कि मैं आज का दिन को मैं कैसे स्पेंड करता हूँ। सीन ये है कि मैं पहले जाऊंगा अपना गाड़ी को सर्विसिंग कराने के लिए। वैसे तो आज शोरूम बंद था, लेकिन मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट किया थोड़ा सा उसका मालिक को, तो उन्होंने बोला ठीक है और बोल दिया है। तो मैं जा रहा हूँ अभी यहाँ पे शोरूम में, लेकिन 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 इसमें कुछ और इशू है। मैं रहता हूँ अभी आसाम में, बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट, और शोरूम पर गया है आपका ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये हो गया दूसरा डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन आसाम में अभी इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट बंद है, तो अभी यहाँ पे सामने हमको पुलिस रोकेगा 100% श्योर। तो देखते हैं, कुछ बोल के मैनेज करके जाना पड़ेगा। ये ब्रह्मपुत्र रिवर का ऊपर में ब्रिज है, यहाँ सीधा आप चला जाएंगे। अगर ये जो रास्ता है ये सीधा आपको गुवाहाटी लेके चला जाएगा। का सर्विसिंग हो गया मेरा, बस एक ही बस प्रॉब्लम है, छुट्टी का दिन में सर्विसिंग करने का जो प्रॉब्लम है कि यहाँ पे स्टाफ का शॉर्टेज था, जिसके वजह से गाड़ी का जो क्लीन होगा क्लीन ही नहीं हो पाया, गाड़ी को धो नहीं पाया, तो गाड़ी जैसा था वैसा ही है। बस अंदर वाला सारा चीज़ ठीक हो गया है, सर्विसिंग का काम हो गया है। अब सबसे बड़ा टेंशन ये है कि जब ब्रिज हम क्रॉस करने के लिए जाएंगे, वहाँ पर पुलिस खड़ा है और पास में बैठा दिया कोविड टेस्ट सेंटर, रैपिड टेस्ट हो रहा है, बस उसको फिर से निकल जाए, ये एक बात है। नहीं तो ये सब कोविड वोविड का टेस्ट करना मतलब बहुत झमेला वाला बात होता है, क्योंकि रैपिड टेस्ट का तो कोई भरोसा है होता नहीं है। तो बस ऐसे इसको कैसे भी करके पार करके जाना है। वैसे मैं वैक्सीन का दोनों डोज लगा लिया, तो थोड़ा सा रिस्क तो कम है, थोड़ा बहुत तो इम्यूनिटी हुआ होगा ना, बस बाकी तो सब ऊपर वाला। दिन का छुट्टी मिलता है तो वर्क का प्रेशर कुछ ऐसा ही हो जाता है। जब से कोविड का सेकेंड वेव स्टार्ट हुआ है तब से मैंने अपना हेयर कटिंग नहीं करवाया, तो गाड़ी वाला सीन ख़त्म, तो अभी जाना है हमको हेयर का कटिंग कराने के लिए। हम लोग का शॉपिंग हो गया, टी शर्ट, ये सारा लोग हम लोग का ऑफिस का स्टाफ है, सबके साथ आए थे तो हो गया। तो पूरा दिन भर का भगदड़ करते करते संडे खत्म हो गया और देखते देखते मंडे आ गया। आज है मंडे,
वहाँ से फिर से ऑफिस जाना शुरू करना होगा और इस हफ्ता फिर हेक्टिक शेड्यूल जाएगा। जो भी है ये तो लाइफ का हिस्सा है, ऐसे चलता रहेगा। तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉक में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड अपना ख्याल रखिए।